हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवेज के एग्ज़ाम में जनरल साइंस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले साल जब ALP या ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था, दोनों एग्ज़ाम्स में जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस साल भी जब NTPC का एग्ज़ाम होगा तो आशा है उसमें लगभग 20 क्वेश्चन तो सिर्फ जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह मैंने सीरीज़ शुरू की है। और यह पहला पार्ट है जिसमें जीव विज्ञान का पहले मैं एक पूरा चैप्टर ख़त्म करूँगा। तो उसमें लगभग जितने भी चैप्टर हैं उनको मैं ख़त्म करूँगा। प्रीवियस ईयर्स के यह क्वेश्चन रहेंगे। 2016 जो CBT एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन मैंने उठाए हुए हैं। ठीक है, बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन कितने लोगों के पास बुक्स नहीं होते हैं तो इसीलिए मैंने उनको वीडियो में शामिल किया हुआ है। तो वीडियो आप देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है कोशिका और अनुवांशिकता चैप्टर से, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन पशु कोशिका में यह नहीं पाया जाता। इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ही कारण पौधे में पत्तियाँ हरी भरी होती हैं, इनमें क्लोरोफिल होता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग। क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के लवक हैं। इसकी खोज वैज्ञानिक सिंपर ने की थी। इनमें हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है जिसके कारण पत्तियां और पौधे के कुछ भाग हरे दिखाई पड़ते हैं। जंतु कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होते हैं, जंतुओं में यह नहीं पाए जाते। इसमें मैग्नीशियम आयन उपस्थित होते हैं। हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण है। हमारा अगला क्वेश्चन है अपराधियों को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अपराधियों को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का प्रयोग करता है। यह तकनीक 1984 में ब्रिटिश जेनेटिक्स एलेक जेफ्रिज व उसके सहयोगियों द्वारा विकसित किया गया था। इसके द्वारा जैविक माता पिता की पहचान भी संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 31 मार्च 2016 को NTPC परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है यह। इसमें सभी क्वेश्चन आए हुए ही क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, लेकिन यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अदर एग्जाम्स में भी बार बार पूछा जाता है। सबसे पहले DNA की खोज या DNA को अलग किसने किया था सबसे पहले, यह क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा फ्रेडरिक मिएस्चर। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सबसे पहले फ्रेडरिक मिएस्चर ने DNA को अलग किया था। उन्होंने 1869 में मरी हुई पशु कोशिकाओं या श्वेत रुधिराणु से केंद्रक का पदार्थ निकाला। इस पदार्थ में सल्फर की मात्रा कम थी तथा फास्फोरस की मात्रा अधिक थी, क्योंकि प्रोटीन्स में सल्फर की मात्रा कम होती है। प्रोटीन्स की सल्फर की मात्रा अधिक होती है और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, अतः उन्होंने केंद्रक में प्रोटीन्स के अतिरिक्त अन्य फास्फोरस युक्त पदार्थ का अनुमान लगाया, इसे न्यूक्लीन नाम दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है DNA परीक्षण के संबंध में विषम का पता लगाएं। इसका आंसर हो जाएगा पोलियो। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो हमें विकल्प दिया गया है, जातीयता, कुल परंपरा, पोलियो, वंशावली, इसमें विषम होगा आपका पोलियो, क्योंकि ये सभी एक जैसे हैं, विषम हमें पता लगाना था। ठीक है, जब पोलियो DNA परीक्षण से संबंधित नहीं है, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है, इसको भी आप लोग ध्यान देंगे। पोलियो कैसा रोग है, एक विषाणु जनित रोग है। भारत अब पोलियो मुक्त देश घोषित हो चुका है। अगला क्वेश्चन हमारा है पाँचवा, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा केवल सम सूत्र। व्याख्या देख लेते हैं। समसूत्रण या समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है।
यह शरीर में लगी चोट की मरम्मत व शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। समसूत्रण विभाजन से उत्पन्न कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन हमारा, मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कड़ी कौन से जीवाश्म की खोज है? यह है होमो नेलेडी। मानवीय विकास के संबंधित हाल ही में होमो नेलेडी जीवाश्म की खोज हुई। होमो नेलेडी जीवाश्म की खोज दक्षिण अफ्रीका में 2013 में हुई, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी औपचारिक घोषणा 2015 में की गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव आवर्धन का कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्गेनोक्लोरीन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनेक प्रकार के कीटनाशक पदार्थ, खरपतवार, अन्य क्लोरीन युक्त पदार्थ ऐसे पदार्थ हैं जिनका जीवधारियों द्वारा बहुत कम विघटन होता है। ये पदार्थ खाद्य श्रृंखला द्वारा पौधों व जंतुओं के शरीर में पहुंच जाते हैं और वहीं पर संचित होते रहते हैं। इनकी सांद्रता प्रत्येक ट्रैफिक स्तर पर बढ़ती रहती है और उच्च उपभोक्ता में अधिकतम हो जाती है। इस क्रिया को जैव आवर्धन कहते हैं। जैसे ऑर्गेनोक्लोरीन, DDT, BHC मानव शरीर में श्रृंखला के माध्यम से पहुंचकर विषैला प्रभाव दिखाते हैं। आठवां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अचानक एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण हुआ है? इसका आंसर होगा उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित लक्षणों में अकस्मात एवं अप्रत्याशित परिवर्तन के कारण होता है। उत्परिवर्तन सिद्धांत या उत्परिवर्तनवाद ह्यूग डी ब्रीज नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उत्परिवर्तन जैव विकास के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। जो उत्परिवर्तन जीन्स में होते हैं वही दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला, पेट की परत में कुछ ग्रंथियों की कोशिकाओं से कौन सा एसिड स्रावित होता है? इसका आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आमाशय यानी स्टमच यानी पेट से ऑक्सीजेंटिक कोशिकाओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl का स्रावण होता है। इसी जठर रस की उच्च अम्लीयता, इसका pH होता है 1 से लेकर 3, pH वैल्यू इसकी 1 से लेकर 3 होती है, HCl के कारण होती है। HCl भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। यह पेप्सिनोजन प्रोएंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, अनुवांशिकता के नियम किसने प्रस्तावित किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुवांशिकता का नियम ग्रेगर मेंडल ने दिया था। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। ग्रेगर मेंडल ने वंशागत के सिद्धांत बनाकर आधुनिक अनुवांशिक की नींव डाली थी। इन्हें अनुवांशिकी का पिता कहते हैं, ग्रेगर मेंडल को। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्या है? कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक प्रकृति है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस एक अनुवांशिक प्रकृति है जिसे एक्स सहलग्न रोग कहते हैं। वर्णांध व्यक्ति जो होता है उसे लाल और हरे रंग का भेद नहीं होता है, इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इस रोग में स्त्री वाहक की भूमिका रहती है। अगला क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यह किया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा। अगला, इसके बारे में हम लोग कुछ व्याख्या देख लेते हैं। जैसे
चार्ल्स डार्विन ने ही जैव विकास का सिद्धांत दिया था, जो डार्विनवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इस सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसमें यह छपी हुई है। अगली क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका है, सेल। सेल को ही जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। जीवधारियों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कोशिका शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, विकास विश्वास और प्रथाओं का एक संग्रह जिसका उद्देश्य मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाना है, वह किस आनुवांशिकी के क्षेत्र को कहा जाता है? यह कहा जाता है यूजेनिक्स को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यूजेनिक्स के अंतर्गत मानव आबादी की आनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार लाकर इनकी उन्नति और उत्थान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी। इसी का दूसरा नाम पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी को पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। इसमें वेक्टर के डीएनए में इच्छित डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से काटकर तथा डीएनए लाइगेज की सहायता से जोड़कर डीएनए की कई प्रतिकृतियां तैयार की जाती हैं। कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर में यही 15 क्वेश्चन ही 2016 में पूछा गया था। दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा जीवाणु विषाणु और लाइकेन, जो कि हम अगले चैप्टर में करेंगे। तो 15 क्वेश्चन पहले चैप्टर से आप लोग तैयार कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, इसको याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। और सीरीज वाइज मैं पूरे चैप्टर को करा दूंगा, बायोलॉजी में आए हुए NTPC के सारे क्वेश्चन मैं आपको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। PDF भी मैं अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम लिंक मैं दे दूंगा, उसमें आप जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे PDF अपलोड हो जाएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। जितने भी NTPC के स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक है। धन्यवाद।